हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथियों, मेरे कुल 2,646 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,167 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 479 पद हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस भर्ती परीक्षा का अभी हाल ही में रिजल्ट जारी किया गया। 18 सितंबर 2023 को इसका रिजल्ट जारी किया गया। आज 21 सितंबर 2023 को इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। साथियों, मेरे 2,646 पदों के एवज में लगभग 2 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिस्टेड किया गया। मेरे प्यारे साथियों, इन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 25 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक प्रातः 10 बजे से राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर RWFTI जवाहर कला केंद्र के सामने जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में होगा। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 25 सितंबर 2023 से लेकर 2 अक्टूबर 2023 तक होंगे। कहां पर होंगे? राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर RWFTI जवाहर कला केंद्र के सामने जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर। साथियों, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं उनकी सूची आपको मिलेगी। साथियों, मेरे मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन भरा हुआ विस्तृत आवेदन पत्र एवं मूल दस्तावेजों के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की रोल नंबर सूचना मैं समय सारणी संलग्न कि किस डेट को किस रोल नंबर को जाना है। मेरे प्यारे साथियों, पात्रता की जांच के लिए आपको उपस्थित होना है। उपस्थित होते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें, जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले, दस्तावेज सत्यापन की जांच हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरा जाना है तथा दस्तावेज सत्यापन की फीस भी ऑनलाइन जमा ही करानी है, यानी कि ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है और साथ ही साथ ऑनलाइन फीस जमा करानी है। कैसे भरना है ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म, उसके लिए ध्यान से सुन लीजिए। 22 सितंबर 2023 से यह फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 2 अक्टूबर 2023 तक भरा जाएगा। इसके लिए आपको SSO ID से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करते ही आएगा माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए और माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन ओपन करते ही लास्ट में ऑप्शन आता है, जो आपकी टॉप में लाइन आती है उस लाइन में लास्ट का ऑप्शन होता है डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी, उस पर जाकर क्लिक करें। वहां पर जाकर वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के लिंक के सामने अप्लाई नाउ का बटन होगा, क्लिक करें, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरें और उसके बाद अपनी फीस जमा कराएं। जब आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर जाए, फीस जमा हो जाए, तो उसके दो कॉपी आपको निकालनी है। साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के लिए दिनांक 11 नवंबर 2020 एवं 11 मार्च 2022 को जारी विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है, इसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस पर मिल जाएगा। वहाँ से भी आप जान सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। जब आपका फॉर्म फिल हो जाए, यानी कि फॉर्म आपने कंप्लीट भरा, उसकी दो कॉपी आपने निकाल ली, दो कॉपी का प्रिंट लेना है, यानी कि आपको जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसकी भी दो कॉपी चाहिए प्रिंट की, और जो आपने ऑनलाइन फीस जमा करवाई है उसकी भी दो कॉपी चाहिए। इसके अलावा आपके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आयु जो कि 10वीं बोर्ड का आपका मार्कशीट, साथ ही साथ आपका बोर्ड सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र, विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, खेल संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र ले जाना आवश्यक रूप से है। साथियों, मेरे जो ये प्रीति है, इन सब की दो दो फोटोकॉपी करवाएं और उन सारी फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड कर लें।
विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र में दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें। साथ ही मेरे ऐसे कैंडिडेट जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा उन्होंने परीक्षा शुल्क भी 250 रुपये जमा करवाया था, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक रूप से लेकर जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, 2546 पदों की भर्ती, 2x कैंडिडेट, 25 सितंबर 2023 से लेकर 2 अक्टूबर 2023 तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। बहुत जल्द राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आपके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया है। साथियों, मेरे किन कैंडिडेट का रोल नंबर दिए गए, सीट थोड़ी बड़ी है, 25 सितंबर 2023 को जो कैंडिडेट बुलाए गए उनका रोल नंबर दिया गया है, नॉन टीएसपी के कैंडिडेट है सारे के सारे। उसके अलावा 26 सितंबर को कौन से कैंडिडेट बुलाए गए, 27 सितंबर को कौन से कैंडिडेट बुलाए गए, उन सब की लिस्ट 28 को, 29 सितंबर को, 30 सितंबर को, उसके बाद 1 सितंबर को और 2 सितंबर को जो कैंडिडेट बुलाए गए वो सारे के सारे कैंडिडेट की लिस्ट आपको मिल गई है। मेरे प्यारे साथियों, लिस्ट देखने के लिए आप बोर्ड की www.rsmsp.gov.in से भी लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल यूवी कंपटीशंस के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर भी जाकर आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई हर संभव दिया जाएगा, कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आपकी और